चिकन टिक्का मसाला करी बनाते हैं खुदा के खूबसूरत बाबरकत नाम से। चिकन टिक्का मसाला करी बनाने के लिए मेरे पास 1 kg चिकन है। चिकन के पीस मैंने छोटे पीस लिए हैं, बहुत बड़े पीस नहीं है सर। दही जो है मेरे पास 1/2 कप है, यानी कि योगर्ट जो है वो 1/2 कप है, और चिली पाउडर जो है वो 1 teaspoon है, 1/2 teaspoon जो है वो सॉल्ट है, 1/2 चम्मच नमक, काली का पेस्ट जो है 1 tablespoon है, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो खाने का 1 चम्मच है वो ऐड करेंगे, 1/4 teaspoon जो है वो धनिया पाउडर है मेरे पास, 1/4 teaspoon जो है वो जीरा पाउडर है, जीरा पाउडर ऐड कर दिया, 1 tablespoon जो है वो मैंने लिया था टिक्का मसाला। टिक्का मसाला थोड़ा सा डालने से इसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। आप देख सकते हैं अच्छे से मसाला लग चुका है। अभी इसको जो है मैं मैरिनेट होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए रखूँ। चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने तकरीबन 4 घंटे से रखा था, मैरिनेट बहुत अच्छे से हो गया है। अभी इसको हम करेंगे फ्राई। तो फ्राई पैन में मैंने लिया था ऑयल, तो अभी एक एक पीस उठाएंगे और इसको फ्राई पैन में रखते जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लेना। तो अभी चिकन की जो है वो साइड चेंज करेंगे। एक साइड से ये देखें आप अच्छे से कुक हो चुके हैं। साइड चेंज करके हम इसको दूसरी साइड से अच्छे से कुक कर लेंगे। चिकन को अच्छे से फ्राई हो चुका है, चिकन को निकालेंगे और मेरे पास जो और चिकन है थोड़ा सा उसको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो अभी जो है टिक्के को हम स्मोक देंगे कोयले का। तो ये मैंने फॉइल पेपर रख दिए हैं, तो अभी कोयला जो है वो रखेंगे। इसको अच्छे से स्मोक जो आएगा टिक्के को बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। एक दो ऑयल का ड्रॉप डालूंगी और इसको बंद कर देंगे अच्छे से। तो चिकन को हमने फ्राई कर लिया है। अभी इसका मसाला ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में लिया जी ऑयल, और मेरे पास चॉप किए हुआ बड़ा साइज़ के 2 प्याज थे, उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। इनको हम अभी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज को आप देख सकते हैं, प्याज जो है वो बहुत लाइट मैंने फ्राई किया है, इसको ज़्यादा हमने कलर नहीं देना। टमाटर प्यूरी थी, टमाटर को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। ये मेरे पास 2 टमाटर थे, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 tablespoon जो है वो मैंने ऐड कर दिया। तो अभी जो है मसाला आप देख सकते हैं, प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो मैंने अच्छे से इसको कर लिया फ्राई। अभी इसके अंदर हम डालेंगे चिली पाउडर। चिली पाउडर जो है वो मेरे पास 1.5 teaspoon, सॉल्ट जो है वो 1/2 teaspoon है। 1/2 teaspoon इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने चिकन जब मैरिनेट किया था उसके अंदर भी मैंने सॉल्ट ऐड किया था, नमक डाला था, इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। अगर आपको कम या ज़्यादा लगता है तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ज़ीरा पाउडर जो है वो भी 1/4 teaspoon है। 1/4 teaspoon जो है मेरे पास धनिया पाउडर है, वो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अच्छे से करेंगे भुनाई। मैं जो है चिकन जो है मसाला मैंने फ्राई किया उसके अंदर हम जो है चिकन ऐड कर देंगे। अभी जो मैंने ग्रेवी बनाई है उसके अंदर मसाला बनाया है, उसके अंदर हम जो है वो चिकन ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम जो है कसूरी मेथी, सूखी मेथी जो है वो ऐड करेंगे। अभी ढक्कन लगाते हैं और थोड़ा टाइम देते हैं इसको पकने को। चिकन तो हमारा जो है बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। लास्ट में जो है हम क्रीम ऐड करेंगे। आप क्रीम जब भी ऐड करें फ्लेम तो या तो फिर बंद कर दिया करें या स्लो कर दिया करें। हाई फ्लेम पे आप क्रीम ऐड करेंगे तो क्रीम जो है वो फट जाती है, तो मैंने फ्लेम जो है वो बंद कर दी है। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। क्रीम मैंने ऐड कर दी है, अभी थोड़ा सा और इसकी बुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी बनी है। अभी लास्ट में जो है हम गरम मसाला ऐड करेंगे, मिक्स पिज्ज़ा और गरम मसाला वो ऐड करेंगे और फ्लेम को करेंगे बंद और डिश करते हैं जी आउट।